तुम सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम सब के सब अपने अपने कमरे में जाओ और सुबह तक बाहर नहीं आएगा कोई भी, और दरवाजा ढंग से बंद कर लेना। ऐसे कैसे चले जाए मम्मी, पहले हमें बताओ तो सही कि आखिर ये चल क्या रहा है। बाबू हम बोल रहे हैं ना। मम्मी इस बिंदिया को घर में घुसने की परमिशन किसने दी? हे लड़की, बिना मुंह से एक शब्द निकाले हुए अम्मा जी को गेस्ट रूम में लेके जाओ। और हाँ, फिर कोई गलत फहमी मत पाल लेना, क्योंकि सुबह होते ही तुमको और अम्मा जी को दफा होना इस घर से हमेशा के लिए। दादी अम्मा कुछ नहीं। मम्मी ये क्या कह रही हो, इस बिंदिया को हम एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप इसे रात भर रुकने के लिए कह रही हो? अब भूल गई क्या, इसने हमारे बच्चे की जान ली है। बाबू बात होती तो भूल जाते, गम को भूलना आसान कहाँ होता। तो जिसने हमें इतना बड़ा गम दिया आप उसे घर में घुसने दे रही हो? बाबू इसकी वजह हम कल बताएंगे तुमको, बाद में बताएंगे, पहले इनसे तो निपटने दे। बिंदिया के चाकू बचा रही थी बिंदिया पायल की जान। हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। जिस तरीके से सीरियल सुहागन में अब जो है अम्मा की एंट्री हो चुकी है, कृष की दादी की एंट्री हो चुकी है, तो यहां पर हम देखते हैं एक नया ट्विस्ट, जहां पर अम्मा के आ जाने से घर का माहौल बदलने वाला है। वो बिंदिया जिसे घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे, कृष इंदु वगैरह पसंद नहीं कर रहे थे, तो वो बिंदिया अम्मा जी की वजह से ही घर में वापस आ चुकी है, क्योंकि अम्मा जी को बिंदिया ही संभाल सकती है। लेकिन जब जब वो पायल को देखती है ना अम्मा जी, तो यहां पर उनका खून खोल उठता है, और वो यहां पर पायल को देखकर कहती है, कावेरी तुम। जी हां, जहां पर हम देखते हैं कि कृष के बाबूजी अपनी मां को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर जब पायल आती है तो दादी उनके पीछे पीछे भागने लगती है, वो भी चाकू लेकर, और कहती है कावेरी तुम। और यहां पर जैसे ही पायल के आगे वो चाकू लेकर जाती है तो बीच में बिंदिया आ जाती है, और ये चाकू पायल के नहीं बल्कि बिंदिया के लग जाता है। अगर बिंदिया प्रेग्नेंट है तो बिंदिया के साथ साथ उसके बच्चे को भी खतरा है, और अगर बिंदिया प्रेग्नेंट नहीं भी है तो यहां पर पायल को बचाने के चलते ये जो है अम्मा जी ने मार दिया है बिंदिया के चाकू। आने वाला एपिसोड देखा जाए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल के लिए अब क्या बिंदिया की जान बच पाएगी या फिर नहीं, क्या बिंदिया के पेट में अगर बच्चा है तो उसकी भी जान बच पाएगी या नहीं, ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए कमेंट सेक्शन में गाइस अब अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।